Hello and welcome to Planet Bollywood at One, a show with the hippest and hottest events of Bollywood. तो इंतजार किस बात का है? नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. अक्षय की तरफ नाना पाटेकर ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ. जैकलीन ने खोला सलमान के फिट एंड हैंडसम दिखने का राज. सलमान से काम के मामले में हेल्प लेने की खबरों को झुटलाया चित्रांगदा ने. आज मैं ये मीडियम के द्वारा मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, मेरे जहन से वो सब निकल गया. कभी कभार मिलेंगे तो हंस देंगे एक दूसरे को, मिलेंगे गले मिलेंगे. किसे दे रहे हैं नाना पाटेकर ये मैसेज? किसकी ओर बढ़ा रहे हैं दोस्ती का हाथ? किसके साथ सारे गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं नाना? तो आपको बता दें कि अक्षय के साथ पुराना झगड़ा भुलाकर नई दोस्ती की शुरुआत करना चाहते हैं नाना. जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए नाना ने बताया कि कैसे वेलकम फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय से हो गया था उनका झगड़ा और तब से उनके और अक्षय के बीच है बातचीत बंद. अक्षय के साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था उस फिल्म के दौरान, लेकिन वो रहा नहीं. मुझे लगा था कि वो मेरे जहन में रहेगा, लेकिन अब लगता है नहीं रहा. नाना के दिल में अक्षय के लिए दोस्ती की ये लहर अक्की की फिल्मों ने की है पैदा. उसका काम देखता हूँ अब, उसके बाद मैंने कभी काम नहीं किया उसके साथ, उसकी फिल्में देखता हूँ तो बहुत कुछ ग्रो हो गया है. तो मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं. हालांकि नाना अक्षय को एक ग्रेट एक्टर नहीं मानते, पर जिस तरह से खिलाड़ी कुमार ने अपनी अदाकारी में इम्प्रोवाइज किया है उसकी फैन हो गए हैं नाना. अक्षय कोई बहुत ग्रेट एक्टर है नहीं, लेकिन आप उसकी शुरुआत की फिल्में देखो और आज जाके अक्षय को देखो, वो यहाँ का अक्षय वो कहाँ तक पहुँच गया. अक्षय की तारीफ करने में यही नहीं रुके नाना, उन्होंने तो ये भी साफ कर दिया कि कई एक्टर्स की तरह पैसे कमाने की खातिर अक्षय फिल्मों के कंटेंट के साथ नहीं कर रहे हैं कोई कॉम्प्रोमाइज. सिर्फ पैसे कमाने के लिए कुछ भी गलत अनसंड फिल्में कर रहे हैं तो बड़ा नहीं, अच्छा नहीं लगता. लेकिन अक्षय ने वो संभाला है अपने आप, धंधा भी बराबर सही तरीके से हो रहा है और अच्छी फिल्में चूज कर रहा है. और अब तो नाना ने जूम की कैमरे पर भी कह दिया कि वो अक्षय को कर रहे हैं मिस. रियली आई मिस्ड हिम. फरूदरानी चटोराज, जूम, मुंबई. किसकी बदौलत सलमान खान 49 इयर्स की एज में भी लगते हैं कूल एंड हैंडसम? जूम पर पहली बार सलमान का ब्यूटी सीक्रेट रिवील करेंगी जैकलिन फर्नांडिस. वेल यस, जूम से एक्सक्लूसिवली बातचीत के दौरान जैकलिन ने हमें बताया कि कैसे इस उम्र में भी सलमान की स्किन लगती है फ्लॉलेस. One drinks like green tea all the time and if you look at his skin it's just like it's flawless, you know. यही नहीं, सलमान की ग्रीन टी पीने की आदत ने जैकलिन को भी किया इंस्पायर. Actually, I was very inspired by the fact that he drank so much green tea. I started drinking more green tea. I was just like, I thought I drank a lot of green tea. I was like drinking even more after him. यहाँ जैकलिन ने सलमान की फिटनेस से जुड़ी और भी कई अहम बातें की जूम के साथ शेयर. I think it comes down to his lifestyle, healthy living. You know, like I said, lots of green tea as well. तो अगर सलमान की तरह फिट और हैंडसम होना है तो आपको पता है कि क्या करना है. फरूदरानी चटोराज, जूम, मुंबई. हॉट एंड गॉर्जियस चित्रांगदा सिंह यहाँ किस बात को कर रही है डिनाई? जैसा कि हाल ही में खबरें आई थी, चित्रांगदा अपने डूबते बॉलीवुड करियर को बचाने के लिए बजरंगी भाईजान सलमान खान से मिलने गई थी और यही बात जूम ने जब चित्रांगदा से जानी चाही तो कुछ यूँ था उनका जवाब. वेल चित्रांगदा, आप कह रही हैं तो हम इस बात को मान लेते हैं कि आपकी दबंग खान से नहीं हुई कोई स्पेशल मीटिंग, लेकिन ये तो बताइए कि आपको बिग स्क्रीन पर आपके फैंस कब देख पाएंगे, क्योंकि आपकी लास्ट मूवी को रिलीज हुए काफी अरसा हो गया है. Well, that would happen next year. You'd see me on the big screen next year. Well, Chitrangada, hope आपकी movies हो जल्द release, ताकि आपके fans आपको big screen पर फिर से देख पाएं. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. एक ब्रांड को श्रद्धा कपूर के एड कैंपेन को क्यों करना पड़ा चेंज? इस ब्रांड को क्यों करना पड़ा डैमेज कंट्रोल?
जैसा कि आपको पता है कि श्रद्धा कपूर एक ऐसे ब्रांड को एंडोर्स कर रही थी जिसके एड कैंपेन को लेकर उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी। दरअसल इस एड में श्रद्धा कपूर को एक फैट गर्ल दिखाया गया था जो इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद स्लिम हो जाती है, और यही बात व्यूअर्स को नहीं आई रास। और अब यही ब्रांड लेकर आने वाला है एक नया कैंपेन जहां दे आर ट्राइंग टू डू सम डैमेज कंट्रोल एंड कीप दिस एड फन एंड फ्रेश। इसीलिए श्रद्धा के साथ नया एड शूट किया गया है जहां पहले की हुई गलतियों को ध्यान में रखते हुए वेट लॉस इश्यू को रखा गया है इस एड से दूर। वेल होप ये डैमेज कंट्रोल श्रद्धा के फैंस को आए पसंद। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। ये है सोनम कपूर जो पिछले 6 सालों से है इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक के ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन ज्वेलरी वीक के ब्रांड एम्बेसडर होने के बावजूद भी गोल्ड प्राइस के बारे में सोनम नहीं है अपडेट। As you know what the gold prices are and the price of gold has become so much right now. चलिए लगता है समय आ गया है सोनम को गोल्ड की घटी कीमतों से अपडेट करवाने का। सोनम, the rate of gold has actually gone down. Has it? Yes. No, yaar, it's too expensive. Yes, it has. 27 to 23 हो गया? हो गया? Okay, fine, ठीक है। सोनम कपूर से इंटरेक्शन का मौका हमें मिला था IIJW 2015 के ग्रैंड फिनाले पर। Wearing a heavy lavender outfit, Sonam looked quite elegant while walking the ramp. She completed her look with beautiful gold jewelry. चलिए अब सोनम से भी जान लेते हैं उनके इस लुक के बारे में। I'm wearing Shyamalan Bhumika and this is Birdi Chand. वैसे रैंप वॉक के दौरान सोनम का दुपट्टा बना उनकी थोड़ी डिस्कम्फर्ट की वजह, लेकिन इसे सोनम ने किया काफी स्मार्टली हैंडल। परेशान नहीं कर रहा था लंबा ड्रामा के लिए, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे इतने सारे टर्न्स करने पड़ेंगे। यूजुअली रैंप वॉक में सिर्फ एक बार जाना पड़ता है ना, आगे पीछे, पर अदरवाइज इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, सो आई एम हैप्पी। वेल, तो कुछ यूं रहा IIJW 2015 का ग्रैंड फिनाले जहां सारी लाइमलाइट रही सोनम कपूर पर। फॉर इलीका श्रीवास्तव थापा, जूम मुंबई। रिसेंटली मुंबई में रखी गई फिल्म जानिसार की स्पेशल स्क्रीनिंग, और इस स्क्रीनिंग पर हमने स्पॉट किया कई जाने माने सेलिब्रिटीज को, जैसे कि सोनम कपूर, दिया मिर्जा, डेविड धवन, दलेर मेहंदी और अनु मलिक को। एवरी फ्रेम इज अ पीस ऑफ आर्ट, द ज्वेलरी, द सेट डिजाइन, द घोड़े, द जस्ट एवरीथिंग, एंड यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट and a time in India that was really glorious in so many ways. My very good friend Pernia is there and it's a Muzaffar Ali film and everybody knows he makes amazing films. इनके अलावा यहाँ मौजूद है बॉलीवुड के कुछ दिग्गज कलाकार भी, जैसे वहीदा रहमान, सलीम खान, हेलन और रणधीर कपूर। We also spotted Ali Zafar who had come here to support his friend Imran Abbas. मुंबई में जहाँ एक तरफ हो रही थी जानिसार की स्क्रीनिंग, तो वहीं दूसरी ओर पुलकित सम्राट, डेजी शाह और संगीता बिजलानी को हमने स्पॉट किया बैंगिस्तान की स्पेशल स्क्रीनिंग पर। वैसे आपको बता दें कि जहाँ कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, यूएई और कुवैत में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, वहीं ओमान में अब बैंगिस्तान को रिलीज करने की परमिशन मिल गई है। पर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। वैसे तो सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आजकल इंडियन क्रिकेटर एमएस धोनी पर बनने वाली बायोपिक के शूटिंग में बिजी हैं, और इस रोल में रहने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उनके बालों को मेंटेन रखने में। और रिसेंटली जूम से बात करते हुए सुशांत ने बताया कि कैसे वो इस टास्क को करते हैं मैनेज। वेल, धोनी के लिए तो उनके लंबे बाल काफी लकी साबित हुए। वी होप कि आपके लिए भी हो। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। दीपिका पादुकोण है आजकल बेहद खफा। शाहरुख के साथ अनबन की खबरों के चलते है दीपिका नाराज। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आज शाम 7 बजे। For more Bollywood news and gossip, watch Planet Bollywood tonight at 7 p.m.